बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्रिएटिविटी एंड द बिजनेस आइडिया। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस हाउ बिफोर लॉन्चिंग ए न्यू बिजनेस हाउ वी कैन जनरेट न्यू आइडिया, हाउ वी कैन क्रिएट न्यू बिजनेस आइडियाज। तो टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट जनरेटिंग business ideas, how we can go for business idea, how we can discuss it, and how these business ideas can be developed. Sources of new ideas. Okay, what is an idea? A thought or suggestion as to a possible course of action. Some of the more frequently used sources of ideas for entrepreneurs include consumers, existing products, distribution channel, the federal government, and research and development. So idea kya hai basically? It is a thought or suggestion as to a possible course of action. Ek soch hoti hai, ek khayal hota hai, जिसको हम एक प्रैक्टिकल शेप का अमली जामा पहनाते हैं। तो आइडिया बेसिकली क्या होता है? एक सोच से आइडिया जनरेट होता है, और फिर जब वो वर्केबल हो जाता है, उस पर वर्किंग की जाती है, तो फिर वो एक कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि एक स्ट्रेटजी, एक पूरा प्लान, एक एक्शन बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आइडिया शुड नॉट बी किल्ड। क्यों? क्योंकि क्या पता वो आइडिया इतना प्रॉफिटेबल हो, इतना प्रोडक्टिव हो, इतना उसमें कमर्शलाइजेशन का एलिमेंट हो कि वो आगे चल के इंसानियत और मुल्क की तरक्की और बहबूद और फलाह का जामिन बन सके। सोर्सेज ऑफ आइडियाज़ जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़रूरी हैं, वो कुछ सोर्सेज हैं, कुछ सम ऑफ देम, ज़रूरी है कि यही हो, लेकिन कुछ अहम मेन जो कि रिसर्च से साबित हुए हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं? कंज्यूमर्स। देखिए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उस दिन, और उसमें उन्होंने एक बात की, आथर ने, रीडर ने, राइटर ने, कि जी 90% आइडियाज़ एक बंदे को जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? जहाँ पे वो जॉब करता है। आप में से हर कोई बैंक में, यूनिवर्सिटी में, किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो आपको 90% आइडियाज इफ यू वांट टू गो फॉर योर ओन बिजनेस कहाँ से आएंगे? आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही आएंगे। अगर आप एक पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से आइडिया मिल सकते हैं, अगर आप किसी एनजीओ में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से आइडियाज मिल सकते हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से आइडिया मिल सकते हैं कि जी मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए सप्लाई चेन की सूरत में कोई एडिशनल जो उसके जो उनको चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, या मतलब ये कि इस तरह के बुक्स, फॉर एग्जांपल पेपर, इसका बिजनेसमैन के लिए स्टार्ट करूँ। तो देखिए, अभी आइडिया मुझे कहाँ से आए? मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आए। तो ये कहते हैं कंज्यूमर्स भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं। कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइसेस, उनका मूड, उनका टेस्ट, उनका उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको क्लिक कर सकती है और आपको एक आइडिया मिल सकता है। Existing product and services. अच्छा देखिए, existing product and services ये क्या होते हैं? Already जो existing product available हैं, for example आप कहते हो यार ये एक cell phone है, इस cell phone में let's suppose camera भी है, इसमें Wi-Fi भी है, इसमें Android या iOS system भी है, लेकिन इसमें multimedia की कोई quality नहीं है। मल्टीमीडिया का फीचर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, लेट सपोज किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को ये आइडिया है, देखें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था और इससे उसको एक आइडिया मिला। सेम इज द केस विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर आप आप किसी बिजनेस में हो, या आप कोई बिजनेस देखना चाहते हो या आइडिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बजाते खुद आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर सकता है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में से कोई रिलेटेड आइडिया, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मतलब जो आउटलेट्स हैं उनसे कोई आइडिया, वहाँ पे जो मतलब ये कि रिटेलर्स हैं, या मतलब उनसे रिलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरा नेटवर्क है उससे रिलेटेड आपको कोई भी आइडिया आ सकता है, किसी दुकान को खोलने का, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का, डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करने का, कोई मिडल मैन को रिड्यूस कर। अब ये क्या है? ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड आइडियाज़।
फेडरल गवर्नमेंट हुकूमत, चूंकि यूएस में फेडरल है, हमारा भी यहाँ पे फेडरल है, प्रोविंशियल है, यानी कि सूबाई या नेशनल या मतलब फेडरल गवर्नमेंट से या लोकल गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से आपको कोई आइडिया मिल सकता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसकी। हुकूमत की लेजिस्लेशन ये आई है कि जी प्लास्टिक बैग पॉलीथीन बैग पे कम्प्लीट पाबंदी, बैन। आप देख रहे हैं 2021 से अभी पूरा नाफिजुल अमल हो गया है। कोई भी शॉपकीपर, पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, आप कोई भी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गवर्नमेंट की अमलदारी है, रेट है, तो वहाँ पे कोई भी शॉपकीपर, कोई भी रिटेलर जो है वो पॉलीथीन बैग नहीं बेच सकता। तो अब इस सिचुएशन में आपको एज एंटरप्रेन्योर क्या आइडिया आ सकता है कि जी मैं क्यों ना ऐसे बैग्स जो कि हुकूमत की तरफ से अप्रूव हुए हैं उनको मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँ और उनकी डिमांड जो है वो मैं प्रोवाइड करूँ, या उनकी सप्लाई मैं प्रोवाइड करूँ, या ऐसे बैग्स जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हों ऐसे बैग मैं प्रोड्यूस करूँ। अब देखिए आइडिया, गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन से आपको कितना बड़ा बिजनेस मिला, आप गौर कर रहे हैं मेरी बात पे ना? तो फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट या लोकल गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी लॉ या रूल रेगुलेशन से आपको एक अच्छा खासा बिजनेस आइडिया मिल सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि आप अभी से सोचें कि हुकूमत की जो पॉलिसियाँ बनी हैं उनसे रिलेटेड आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या बिजनेस आप स्टार्ट करते कर सकते हैं स्मॉल स्केल पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दुनिया की तमाम डेवलप्ड कौमें जो हैं, अमेरिका, यूरोप, चाइना, इवन स्पेशली आजकल तो मैं चाइना का नाम लूंगा क्योंकि चाइना जो है वो जल्द ही चंद ही सालों में अमेरिका की इकानमी को सरपास किया, उसको मुकम्मल डाउन कर देगा। ये मतलब मैं नहीं कहता, ये अमेरिकन और जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं और उनके एनालिस्ट हैं वो कहते हैं। तो चाइना ने और मतलब यूएस और इस तरह यूरोपियन कंट्रीज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट किए हैं। अगर आप कहते हैं ये फेसबुक, ये गूगल, ये सेल फोन्स, ये हाई टेक, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये बेसिकली क्या थे ये आइडियाज़? दीज आइडियाज़ वर बॉर्न इन द रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितना भी साइंटिफिक इन्वेंशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही थी उसी में से क्या हुआ, ये आइडियाज मिलते गए। तो दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज। अच्छा देखें, इन्होंने फिर डिटेल किया थोड़ा, इस पे जरा सोच देखते हैं। कंज्यूमर्स, कैसे कंज्यूमर्स? एंटरप्रेन्योर शुड कंटिन्यूअली प्ले क्लोज अटेंशन टू कस्टमर्स। जिस तरह मैंने कहा ना कि कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप होता है, उनकी नीड्स को आप असेस करते हो, फिर उसी के मुताबिक आप अपॉर्चुनिटी उससे निकाल दे सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। न्यू प्रोडक्ट और सर्विस आइडिया, न्यू प्रोडक्ट जो है वो भी आपको कस्टमर से ही वो आइडिया मिल सकता है कि कस्टमर क्या चाहता है, आप उसकी सोच से लेकर एक आइडिया निकाल कर एक प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो या सर्विस। अच्छा, किस चीज़ की केयर ज़रूरी है? केयर इसकी ज़रूरी है कि ये आपका जो आइडिया हो ये सिर्फ चंद लोग उसको एक्सेप्ट ना करें बल्कि कंप्लीट एनफ मार्केट। इस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था ना कि मार्केट इसे किसे कहते हैं, मार्केट में लोग होंगे, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल, उनकी विलिंगनेस टू परचेज स्पेसिफिक प्रोडक्ट और उनका परचेजिंग पावर, ये चीज़ें अगर हों तो इसे मार्केट कहते हैं। तो ये कहते हैं आइडिया कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है कि वो कमर्शलाइजेशन का एलिमेंट उसमें हो, उसका कस्टमर बेस ज़्यादा हो। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह मैंने कहा, आप उनको देखकर उनकी एवेल्युएशन कर सकते हो, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स की मॉनिटरिंग कर सकते हो और फिर उसी से मिलते जुलते कोई प्रोडक्ट जो कि उनसे बेहतर हो, जो कमियां उस प्रोडक्ट में हो आप उससे उसको निकाल कर उसको जदीद फॉर्म में बना सकते हो। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन का एक सोर्स है। तो आप इस पर एज अ लेक्चर या एज अ सब्जेक्ट मत थिंकिंग करें, आजकल इकानमी एंटरप्रेन्योर की है। तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप इसको बड़ा गौर और डीपली अंडरस्टैंड करें, बिकॉज आई कैन सी ए बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन इन एनीवन इन एंड ऑल ऑफ यू। आप में से हर कोई एक बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन है, मैं अभी से ये समझ रहा हूँ। तो आप इस पे सोचें, यू हैव अ वेरी इनोवेटिव माइंड, यू हैव अ लॉट ऑफ इनोवेटिव स्किल्स, आप में से कोई भी थोड़ी मेहनत करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है, सिर्फ जॉब में और मतलब ये कि नौकरियों में पैसा नहीं है, बल्कि ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें।
आप जरा एक अच्छे लीडर की तरह सोचें। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हो सकता है? देखिए जी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया ना कि जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो एक एक्सेलेंट सोर्स है न्यू आइडियाज के लिए। कैसे? क्योंकि उससे आप अंडरस्टैंड करके ही मार्केट की नीड्स को असेस कर सकते हो कि मार्केट क्या चाहता है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे लूप होल्स हैं। अगर आप उस गैप को फिलअप करोगे तो मतलब यू आर इन बिजनेस। दे सजेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स एंड आल्सो हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स इन मार्केटिंग देयर न्यू डेवलप्ड प्रोडक्ट्स। देखें जी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपको बड़ा अच्छा आइडिया जनरेट करके दे सकते हैं। और अगर आप, मैं अगेन कहता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स गैप ढूंढता है सोसाइटी में, लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन निकालने के लिए गैप ढूंढता है। द डे यू फाइंड आउट अ सॉलिड गैप, दैट डे विल बी द डे यू आर इन बिजनेस। फेडरल गवर्नमेंट, मैंने जिस तरह इसके ऊपर सेर हासिल बहस की कि फेडरल गवर्नमेंट के पैटर्न्स, उनकी पॉलिसीज, उनके लेजिस्लेशन, उनकी तमाम चीज़ें देखें। अब देखें, सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, अगर हम देख लें सेफ्टी और हेल्थ के हवाले से, हुकूमत प्रोविंशियल, फेडरल और मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कितना काम करें। फूड अथॉरिटी, आप देखें उनके मास्क, अब आप ये देखें ना, मास्क कोरोना कोविड की वजह से मास्क की शॉर्टेज पड़ गई, सैनिटाइजर की शॉर्टेज पड़ गई। मैं भी कहता हूँ कि अगर अच्छा एंटरप्रेन्योर है या होता या है भी, मास्क लोकली प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। मास्क की कीमत 40 रुपये से 5 रुपये पे क्यों आई है? इसीलिए आई है कि मास्क को लोकली प्रोड्यूस किया गया, और मतलब ये वही पॉलिसीज का नतीजा थी जो कि दुनिया में इम्प्लीमेंट हुआ, फेडरल गवर्नमेंट में, पाकिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उस एंटरप्रेन्योर्स ने फायदा लिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिस तरह मैंने कहा कि जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही एंटरप्रेन्योर्स फायदा उठाते हैं नए आइडियाज की तलाश में। अब देखें जी, फॉर्चून 500 कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने न्यू प्लास्टिक रिजाइन रेसन दैट बिकेम द बेसिस ऑफ ए न्यू पावर, बट द कंपनी वाज नॉट इंटरेस्टेड। ही स्टार्टेड मेकिंग ए प्लास्टिक मोल्डेड मॉड्यूलर कप पैलेट एज ए न्यू वेंचर एंड बिल्ड अ कंपनी आर्नो लाइट पैलेट कंपनी। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये तो वेस्ट की बात है, पाकिस्तान में भी अगर आप देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या कह रहा है कि जी एक प्रोडक्ट था, उसके लिए कोई भी नहीं बनाना चाहता था, ये एंटरप्रेन्योर्स ने क्या किया, उसने इसकी पूरी कंपनी बना ली। और आप देखते हैं कि जब, अब देखें, थ्रेट के अंदर ही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना एंटरप्रेन्योर का काम है। आर्नोलाइट पैलेट कंपनी ने, जब कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसने पूरी कॉरपोरेशन की बुनियाद डाल दी। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वांट टू मोटिवेट यू। हमारे लेक्चर का याद रखें, हमारे एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट का मकसद कब पूरा होगा, इसकी स्पिरिट कब सही मानों में होगी, कि जब आप में एंटरप्रेन्योरल जज्बा बेदार हो जाए, जाग जाए, साइंटिफिक तरीके से न्यू एरा के मुताबिक, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल एरा के मुताबिक आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाए। एंड आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ गट्स, लॉट ऑफ पोटेंशियल्स। अच्छा जी, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज सिर्फ एक ख्याल का नाम नहीं है कि जी ख्याल, हमें से अक्सर लोग आइडियाज, कितने आइडियाज आपको आते हैं? मैं कहता हूँ रोजाना की बुनियाद पर आपको हजारों नहीं है तो सैकड़ों आइडियाज, सैकड़ों नहीं तो स्कोर ऑफ आइडिया तो आते हैं, लेकिन क्या ये आइडिया साइंटिफिक तरीके से हम डेवलप करते हैं? नो, इसके डेवलप करने के लिए, जनरेट करने के लिए अपने एक तरीक़ेकार है जो कि साल हर साल की मेहनत और टेस्टेड तरीके से फाइनल हुए हैं। वो क्या है? फोकस ग्रुप्स। आप में से, अच्छा, फोकस ग्रुप में क्या होता है? लोग बैठे होते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी खास प्रोडक्ट के ऊपर, उसको भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग, प्रॉब्लम इन्वेंट्री एंड एनालिसिस, ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे क्या हो सकता है, जिनसे आइडियाज जनरेट हो सकते हैं। फोकस ग्रुप, बड़ा कॉमन, बड़ा फेमस, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज, दैट फोकस ग्रुप इज एन एक्सेलेंट मेथड फॉर इनिशियली स्क्रीनिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। इसको जरा गौर से पढ़ेंगे, और क्लास, इस लेक्चर के दौरान ही मैं आप सब क्लास को एक फोकस ग्रुप के तौर पर लूंगा, और हम जरा इसके ऊपर एक प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा जाग जाए, थोड़ा इसकी तरफ प्रैक्टिस उसकी हो जाए। द ग्रुप ऑफ 8 to 14
participants are stimulated by comments from each other in creatively conceptualizing and developing a new product idea to fill a market need. For example, one company interested in the women's slipper market received its new product concept for a warm and comfortable slipper that fits like an old shoe from a focus group of 12 women from various socioeconomic backgrounds in the Boston area. अब देखें जी, 8 से 14 लोग होते हैं, वो बैठ जाते हैं और वो बड़ा क्रिएटिवली एक आइडिया जनरेट करते हैं जो कि मार्केट की नीड को पूरा करना चाहता है, कर सकता है। एक कंपनी है जो कि चाहती है कि फीमेल्स के लिए स्लीपर चप्पल वगैरह बनाई जाए, तो कंसेप्ट क्या है प्रोडक्ट का? वार्म एंड कंफर्टेबल स्लीपर दैट फिट्स लाइक एन ओल्ड शू। अब देखिए ना, ओल्ड शू की तरह फिट हो जाए, नया पाँव, नया जूता आपका पाँव दुखाता है ना, तो इसके कंसेप्ट को देखिए, कहते हैं कि वार्म एंड कंफर्टेबल स्लीपर, ऐसे स्लीपर जो कि गर्म भी हो और नरम भी हो, कंफर्टेबल भी हो, और ऐसे कंफर्टेबल जो कि आपके ऑलरेडी जो आपने जूता यूज कर लेते हैं और आपके पाँव के साथ यूज होते हैं उसकी तरह कंफर्टेबल। फ्रॉम ए फोकस ग्रुप ऑफ 12 वुमेन फ्रॉम वेरियस, देखिए मुख्तलिफ 12 लोग खवातीन से बूस्टन में इन्होंने एक डिस्कशन की और एक कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने बात की। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? नाम से जाहिर है, अपने दिमाग की में हलचल लाना, तूफान लाना। कैसे? ए ग्रुप मेथड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। ग्रुप मेथड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीपल कैन बी स्टिमुलेटेड टू greater activity by meeting with others and participating in organized group experiences. लोगों को कैसे मोटिवेट स्टिमुलेट किया जाता है कि उनमें क्रिएटिविटी डाली जाए और उनसे डिस्कशन की जाए, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस को लेकर। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मेथड आर कीपिंग क्रिटिसिज्म अवे, free wheeling of idea, high quantity of ideas, combinations and improvements of ideas. Such type of session should be fun with no scope for domination inhibition. Brainstorming has a greater probability of success when the effort or focus is on specific product or market area. Lekin ji isme ye nahi hota ki ji bade formal tarike se isme aap wild ideas ko le jate hain, aap kehte hain ki ji main chahta hu ki main hawa mein ek airport banau, या ऐसी टैक्सियाँ हो जो कि हवा में चलती रहे, ऐसी गाड़ियाँ हो, ऐसी कैब सर्विस हो, या मैं कहूँ कि जी ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जो कि पानी में चल सके। अब देखें ये क्या है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। इसमें ये नहीं होता कि यार ये क्या अजीब सा आइडिया आपने दिया, या बड़ा स्टूपिड सा, या फनी सा, या सिली सा। नो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है, आप अपने माइंड को झंझोड़ते हो। लेकिन ये आइडियाज़ कैसे होने चाहिए? मार्केट से रिलेटेड आइडियाज़ हो, ये ना हो कि आप सुपरफिशियल किस्म की आइडियाज दें और उसका मार्केट से कोई रिलेशनशिप ना हो। तो लिहाजा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ये क्रिएटिव तरीके से ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी होती है। अच्छा, ब्रेन राइटिंग क्या होता है? बेन रोअर बैच ने 1960 में ये इसका एक मेथड बताया था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था 635 मेथड, 635। इट इज, इसमें क्या होता है, इट इज द रिटन फॉर्म ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम बातें करते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग में वर्बली, इसमें राइटिंग होती है, लिखना होता है। ब्रेन राइटिंग इज अ साइलेंट रिटन जनरेशन ऑफ आइडियाज बाय ए ग्रुप ऑफ अच्छा, इसमें क्या होता है, ब्रेन राइटिंग साइलेंट रिटन जनरेशन होता है। लिख के आप लिखते हो राइटिंग में, पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, दे राइट देयर आइडियाज ऑन स्पेशल फॉर्म्स और कार्ड्स दैट सर्कुलेट विद इन द ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 6 मेंबर्स। 6 लोगों का ग्रुप होता है और उसमें हर एक अपना अपना आइडिया एक दूसरे के साथ सर्कुलेट करता है, शेयर करता है। ईच ग्रुप मेंबर जनरेट्स एंड राइट्स डाउन 3 आइडियाज ड्यूरिंग ए 5 मिनट पीरियड।
हर ग्रुप मेंबर 5 मिनट में 3 आइडियाज लिखेगा और अंटिल ईच फ्रॉम फॉर्म हैज पास्ड ऑल पार्टिसिपेंट्स, और सब पास होते जाएंगे एक दूसरे के साथ 5 मिनट में, ठीक है। द लीडर मॉनिटर्स द टाइम इंटरवल एंड कैन रिड्यूस और लेंथन द टाइम गिवन टू पार्टिसिपेंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ग्रुप। अब लीडर क्या करता है, लीडर लीडर क्या करता है, लीडर मॉनिटर करता है, वो टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, टाइम को कम कर सकता है और पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन राइटिंग में क्या होता है, ब्रेन राइटिंग में 635 में क्या होता है, देखें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ, ये राउंड्स हुए और इसमें आपने आइडियाज लिखने होते हैं और इस तरह के कार्ड बना के आगे फॉरवर्ड किया जाना होता है। प्रॉब्लम इन्वेंटरी एंड एनालिसिस ए मेथड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू आइडियाज और एंड सॉल्यूशंस बाय फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स और आइडियाज एंड सॉल्यूशंस ऑन प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, एनालिसिस यूज इंडिविजुअल्स इन अ मैनर दैट इज analogous to focus groups to generate new products ideas. However, instead of generating new ideas themselves, the consumers are provided with list of problems and then asked to have discussions over it, and it ultimately results in an entirely new product area. इसमें क्या होता है, new ideas generate होते हैं, फिर उसके ऊपर discussions होती हैं, उसके ऊपर questions answer पूछे जाते हैं और इस हवाले से क्या होता है, एक totally नया idea change हो जाता है, यानी कि इसमें analysis होती है problem की और फिर आइडिया नया बनता है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके सर। अच्छा जी, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी इज द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज इनटू रियलिटी एंड इज एन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्रिएटिविटी में क्या होता है, क्रिएटिविटी आजकल के ज़माने के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है और एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ा एसेट है, इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन। व्हाइल क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मेथड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू आइडियाज फोकसिंग ऑन द पैरामीटर्स। न्यू आइडियाज को आप क्या करते हो, जब आप क्रिएट करते हो तो उनको एक खास किस्म के पैरामीटर्स के ऊपर आप परखते हो। क्रिएटिविटी जो है ये बहुत एज के साथ, एजुकेशन के साथ और ब्यूरोक्रेसिक नेचर के साथ ये कम होती जाती है। याद रखें, अगर आप बूढ़े हो गए हो, मतलब आप मींस कोई बंदा बूढ़ा होता जाता है, एजुकेशन उसकी कम है, दिमाग को यूज़ नहीं करता और वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में है, तो फिर जी उसकी क्रिएटिविटी डिक्लाइन हो रही है। आई फियर कि उसकी क्रिएटिविटी डिक्लाइन होगी, तो लिहाजा इसके लिए यंग यूथ होना बड़ा ज़रूरी है और अच्छे आइडियाज आते हैं। हिडन क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी स्टिफल्ड बाय परसेप्चुअल कल्चरलाइजेशनल फैक्टर्स। अच्छा देखिए जी, परसेप्चुअल कल्चरलाइजेशनल फैक्टर्स की वजह से भी आपके जो आपकी हिडन पोटेंशियल जो है वो छुपी होती हैं और ये जाहिर होनी चाहिए, उसको लाना चाहिए सामने। क्रिएटिविटी कैन बी अनलॉक्ड बाय यूजिंग एनी ऑफ द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो मतलब ये है कि क्रिएटिविटी जो है ये क्या करती है, ये क्रिएटिव प्रॉब्लम्स को खोलने के लिए उसके सॉल्यूशंस, जब आपको कोई मसला आएगा तो आप क्रिएटिविटी थिंकिंग करोगे ना, जरूरत ईजाद की माँ है। व्हाट इज दिस, ये वही प्रॉब्लम और उसका सलूशन के हवाले से बात है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग है सबसे पहले। इसमें आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है, आप उसके सलूशन के लिए आइडिया जनरेट करते हो और फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हो, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, ना ज़्यादा ब्रॉड होनी चाहिए वो राय कि वो फिर पोर्केबल भी ना हो, ना इतना नैरो हो कि उसके ऊपर कोई फिर बात, कोई रिस्पॉन्स ही ना आ सके।
इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कशन करेंगे, और हम हमारा लेक्चर किस पे होगा, डिस्कशन बेस्ड, कि आप इसके ऊपर बात करो। अच्छा, कोई है जो फिलहाल इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग वॉलंटियरली कोई इसके ऊपर बात करना चाहेगा आज कि नहीं, इसको कमिंग क्लास के लिए फिर छोड़ दें? सर कमिंग के लिए बेहतर होगा। ओके, दैट्स गुड। वंस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, 6 टू 12 इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट। अच्छा, कमिंग क्लास के लिए सारे सुन लो, आप में से हर एक, मैं कहता हूँ ना बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन मुझे नजर आ रही है, अपने साथ एक एक प्रॉब्लम लाना है, और हम उनमें से वॉलंटियरली एक प्रॉब्लम को पिक करेंगे, और फिर एक ग्रुप बनाएंगे पूरी क्लास का, पूरी जो वर्चुअल हमारी क्लास है, और उसके ऊपर फिर हम एज पर जो थ्योरी है हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऐसा ठीक है? सारे एग्री? डन है सर। दैट्स गुड। ठीक है सर। All ideas must be recorded, recording भी होनी चाहिए, और इसके ऊपर discussion भी होनी चाहिए। Reverse brainstorming, now this is important, जिस तरह reverse engineering है, reverse brainstorming एक another term. It is a group method for obtaining new ideas, focusing on the negative. It is similar to brainstorming, except that criticism is allowed. The main focus is on finding fault by asking questions. अच्छा, क्या होता है? इसका भी रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, न्यू आइडियाज तो होते हैं लेकिन इसमें नेगेटिवली सोचते हो। देखें जी, ये हमारे सामने जो एलईडी आया है, मेरे सामने एक 1940 के कंप्यूटर से आज एक छोटा सा टैबलेट, या मतलब ये कि एक छोटा सा सेलफोन आया है, ये क्यों आया है? ये रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेरी बात आप समझ रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग। हम जो अक्सर कहते हैं ना कि अच्छा काम हुआ तो फिर तो खुशी की बात है, लेकिन अगर ना हुआ तो क्या होगा? आर यू गेटिंग मी? आप में से कौन इस तरह सोचता है? कोई सोचता है ऐसा? अच्छा, ओके। हेंस फोकसेस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया, एज वेल एज वेज टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो नेगेटिवली आप इसके ऊपर सोचते हो किसी भी आइडिया पे, ताकि उसका नेगेटिव मींस आप उसमें खामियां निकालते हो और फिर उसको ठीक करने की कोशिश, ये उसका मकसद होता है। तो केयर मस्ट बी टेकन टू मेंटेन ग्रुप मोरेल, ये ना हो कि आप लड़ाई झगड़े पे हम उतर जाएं और फिर वो क्रिटिसिज्म क्या हो जाता है, वो फिर कंफ्लिक्ट पे चला जाए। गोर्डन मेथड, ये दूसरा मेथड है गोर्डन मेथड, और इसमें क्या होता है, इसमें न्यू आइडियाज इंडिविजुअल जो होते हैं वो नए आइडिया से अनअवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं एक हवा में चलने वाली मोटर गाड़ी बनाऊं, और उसके लिए मैं आपसे आइडियाज पूछना चाहता हूं, तो यू पीपल आर अनअवेयर। लाइक मेनी अदर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बिगिंस विद ग्रुप मेंबर्स नॉट नोइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। आपको पता नहीं था कि प्रॉब्लम क्या होता है, और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता जाता हूं, क्यों? ताकि मैं आपकी क्रिएटिविटी निकाल लूं। अगर मैं आपको फिक्स कर दूं तो आप फिर उससे आगे पीछे नहीं सोचोगे। आर यू गेटिंग मी? एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स बाय मॉनिटरिंग ए जनरल कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम।